कड़कड़ाती धूप है और इस वक्त बज रहे हैं दोपहर की 1 और हम निकल गए थे प्रयागराज के लिए। तो हम प्रयागराज पहुंच भी गए हैं और हमने एंट्री कर लिया है। और देखिए इतनी तेज़ धूप है, दोपहर को हम 1 बजे निकल गए थे और अभी लगभग 4 साढ़े 4 बज रहा होगा। थोड़ी देर में अब हम घर पहुंचने वाले हैं। और ये देखिए गंगा जी का पुल है ये, और गंगा जी बिल्कुल बहुत कम एकदम सूखी गई हैं, बस थोड़ी बहुत ही कहीं कहीं पर दिखाई दे रही हैं। जय गंगा मैया की। और जैसे ही शहर के अंदर घुसे हैं वैसे ही कहीं कहीं पर ट्रैफिक भी मिला। और अब हम लोग बाबा चौराहे पहुंच गए हैं और सैनिक की दुकान से कुछ हम लोग खाने पीने की चीज़ें ले लेंगे। राजापुर आ गया है और जहाँ हमारा घर है वो एरिया बिल्कुल पास आ गया है, बस अब हम ये घर भी पहुँच गए हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं रीता और बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। तो देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये बैकग्राउंड कैसा है, मैं कहाँ हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त मैं प्रयागराज में हूँ, मतलब अपने मायके में हूँ। और ये देखिए ये मेरे भाई का बेटा क्या नाम है पता हा? बता नाम इंद्रेश नाम बता रहा है अपना। तो जैसा कि बच्चों की छुट्टियां हो गई थी दोस्तों, तो अब समझिए मेरी भी छुट्टी हो गई है, तो मैं अपने मायके आ गई हूँ। तो बहुत दिनों के बाद, मतलब 5-6 महीने के बाद मैं फिर आई हूँ, तो मुझे कितनी खुशी होती है ना मायके आने की, और इतने दिनों के बाद आओ तो फिर क्या कहना। तो अब मैं आ गई हूँ, तो घर का मैं वहाँ से मतलब घर से निकलने का व्लॉग मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि इतना काम था, सब कुछ समेटना था, बैग भी पैक करना था, मतलब पैकिंग करना, साफ़ सफाई और फिर खाना पीना सब कुछ करना था, तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई दोस्तों। इसलिए मैंने कहा कि चलो फिर घर पे ही बताती हूँ कि मैं इस वक्त प्रयागराज पहुँच गई हूँ। तो देखिए बच्चे जब से मैं आई हूँ तो कितना शरारत कर रहे हैं, इतने खुश हैं, सब खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं इधर उधर, और घर में इतना कूड़ा फैला रहे हैं कि बस पूछिए मत। मतलब कुछ भी खा रहे हैं पी रहे हैं, इधर उधर कहीं भी फेंक दे रहे हैं। और देखिए मैं जैसे ही घर में आई तो खुशी का माहौल हो गया, मतलब कि सब इकट्ठे हो गए थे, सब एक दूसरे से मिलने जुलने लगे हुए थे। तो इतना मतलब समय नहीं मिला कि मैं आते ही व्लॉग बना पाऊँ। सबसे मिलने के बाद फिर खाना पीना हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम हुआ और फिर मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया। ये मेरी मम्मी है और जैसे कि हम लोग हमेशा जब भी आते हैं तो ये तो घर के बगल में बिल्कुल मार्केट पड़ती है, तो ये बच्चों के साथ जाती हैं और वहाँ से हमेशा सबके लिए कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें या कुछ नहीं तो चूड़ियाँ ही ले लेंगे, नेल पॉलिश ही ले लेंगे, या जिनको कुछ चाहिए उनके लिए बिना कहे लेकर चली जाती हैं। तो वो नानी है ना, तो इसलिए उनका मन नहीं मानता, कितना भी मना करो कि नहीं मत लाना या नहीं चाहिए, फिर भी वो लेकर आती हैं और सभी को बराबर से ही देती हैं। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा या मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।